वजीर आजम तैयार हैं ये मुरासला जो है ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए, उसमें दो टोक अल्फाज के अंदर ये भी लिखा जा रहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, अगर इमरान खान वजीर आजम रहते हैं तो खौफनाक इसके नतायज आ सकते हैं। हुकूमत धमकी आमेज मरासला चीफ जस्टिस को दिखाने पर तैयार। तहरीक अदम एतमाद पेश होने से पहले लिखे गए खत में तहरीक अदम एतमाद का जिक्र, धमकी दी गई अगर वजीर आजम मनसब पर रहे तो खौफनाक नतायज हो सकते हैं। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए हमने तो कहा ना जो इसके अंदर जो प्रिंसिपल कैरेक्टर हैं ऑपोजिशन की तरफ से वो तो नवाज शरीफ हैं, वो बाहर बैठे हैं, उनकी मुलाकातें होती रही हैं, गैर मुल्की एजेंसियों के साथ भी होती रही हैं और किन किन ममालिक के एजेंसियों के साथ होती रही है वो भी आपको सब पता है। जो पीडीएम की सीनियर लीडरशिप है वो भी जाहिर है इस बात से ला इल्म नहीं। मुझे यकीन है कि जो भी उसके लिए कौमी सलामती के लिए अगर कोई एक्शन लेने की जरूरत होगी तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि फौज मुकम्मल तौर पर वो करेगी। वजीर आजम का अरकान कौमी असम्बली को खत, तमाम अरकान को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के दिन कौमी असम्बली न आने की हिदायत। शिरकत पर आर्टिकल 63A का इतलाक होगा। इमरान खान का खत। मैं तो समझता हूँ कि ये अब देर हो चुकी है और ये हम सब इतारी बैठ के फैसला करेंगे कि कौन किसको हम चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करें और जिसको अपोजिशन बनाएगी वो बन जाएगा। नंबर्स उनके पास नहीं है, नंबर्स हमारे पास। परवेज इलाही नहीं, वजीर आला पंजाब अपोजिशन से होगा। आसिफ जरदारी का दावा, काफ लीग वालों से मुबारकबाद देने के लिए आकर कहें और जाने का शिकवा, इमरान खान इल्जाम साबित करें। धमकी आमेज खत के सवाल पर बिलावल भुट्टो का जवाब, क्या तफसीलात तय हो रही हैं, साबिक सदर ने ये भी बता दिया। तो ये मामला ये उलझ क्यों गया है, ये आसान क्यों नहीं हो पा रहा, कहीं एस्टेब्लिशमेंट डबल गेम तो नहीं कर रही कि कुछ को इधर इशारा कुछ को इधर इशारा। वो कहते हैं ना डेविल इज इन द डिटेल्स, तो डिटेल्स में बातें हो रही हैं, डिटेल्स में कानून साजी हन होनी है तो उस पे डायलॉग हो रहा है। डबल गेम तो नहीं है। उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर परवेज इलाही के कहने पर जमा करवाई गई। राना सनाउल्ला का इंकशाफ, कहते हैं काफ लीग के 3 वोट भी ऑपोजिशन के साथ हैं। सियासत में बाज लोग जीत के भी हार जाते हैं और बाज लोग हार के भी जीत जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला आखिरी बॉल तक 3 तारीख की आखिरी बॉल तक इमरान खान खेलेगा। 31 तारीख से तकरीरें होंगी और फिर 3 तारीख को वोटिंग होगी। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 3 अप्रैल को होगी। मुत्तहदा का फैसला इंतहाई अहम, सियासत में बाज लोग जीत कर भी हार जाते हैं। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर दाखिला से इमरान खान की सुलह कराने का सवाल, पिंडी की गैर जानबदारी अच्छी बात करा। मैं सुलह कराने की, मैं पिंडी जो है वो पिंडी है और वो जिम्मेदारान लोग हैं और वो पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के हालात से बखूबी वाकिफ़ हैं। अगर उन्होंने एक गैर जानबदारी का मुजाहरा किया तो अच्छी बात है, इसमें आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हम हर चीज़ उन पर डाल दें, पिंडी पर डाल दें तो ये भी तो कोई अच्छी बात है। नाज़िम जोखी और कत्ल केस, जाले रुकन कौमी असम्बली अब्दुल करीम समेत तमाम मुलजमान के नाम ECL में डालने की मंजूरी। गवर्नर सिंध ने गिरफ्तारी के लिए FIA को खत लिख दिया। पाकिस्तान स्टील के साबिक चेयरमैन मुईन आफ्ताब शेख समेत 14 मुलजमान बड़ी अरबों रुपए करप्शन का इल्ज़ाम साबित नहीं किया जा सका, एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। मलीर में छापा, MQM लंदन का मतलब मुलजिम गिरफ्तार, 3 किलो से ज्यादा धमाका खेज मवाद भी बरामद।
न्यू कराची लुटेरों के लिए जन्नत बन गया। 11 ई सिद्दीक अकबर मस्जिद के करीब मोबाइल की दुकान में डकैती, पकड़ने की कोशिश पर मुलजमान ने फायरिंग कर दी। सीसीटीवी फुटेज के 21 न्यूज पर। नॉर्थ कराची 2 मिनट चुरंगे पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, नौजवान जख्मी। शहरी मुश्तैल डंपर को आग लगाकर एहतजाज। कमिश्नर कराची की जेर सदारत इजलास, इकबाल मेमन ने रमजान में अशिया की कीमतें कंट्रोल करने के लिए इकदामात की हिदायत कर दी। गर्मियों में भी गैस गायब, औरंगी टाउन सेक्टर E9 में बंदिश शहरियों के लिए अजाब बन गई। सोशल मीडिया पर प्यार, फ्रांसीसी लड़की पाक पतन के रिहायशी की मोहब्बत में गिरफ्तार। लूसी जैमकन ने नौजवान से निकाह कर लिया, इस्लाम भी कबूल। 3 वनडे सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए 314 रन का हत्था दे दिया। हारिस रऊफ और जाहिद महमूद की 2-2 विकेटें, कौमी टीम की बैटिंग जारी। That emergency escape plan that we've been practicing. I need you to get out of that house. Everything is gonna be fine. Sam is okay. We are okay. Hi, Jack. Where's the boy? What boy? I don't need a kid, a dog, okay? You're gonna be okay, I promise. Are they gonna get away with killing my family? They're professional killers. They're gonna come for anyone who tries to screw Jack. Who are you hiding from? Batman. Ah, you serious? You're using that kid. और सनसनीखेज हॉलीवुड मूवी 9 बुलेट्स का ट्रेलर जारी। फिल्म जल्द ही रिलीज करने की तैयारियां।